आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रेडिशनल वॉल आर्ट। आज की सारी वॉल आर्ट पेंटिंग वेस्ट हैं, बट मैंने इन्हें डिफरेंट डिफरेंट बेस पर ट्राई किया है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले DIY के लिए मैंने एक वुडन पीस पर एक्रिलिक कलर करके अपने डिज़ाइन को ट्रेस कर लिया है। तो यहाँ बेस में हम वाटर का टेक्सचर देंगे। तो इस तरीके का वाटर टेक्सचर देने के लिए आप ब्रश में ब्लू और वाइट कलर को एक साथ लगा लीजिए, लेकिन जो कलर का रेशो है वो हमें 1:5 रखना है। यानी कि अगर हम ब्लू की एक टिप ले रहे हैं तो हमें वाइट की 5 टिप्स यहाँ यूज़ करनी है। देन ऊपर में हम दोनों कलर को मिक्स करके इस तरीके का लाइट कलर बना लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मडी टेक्सचर देने के लिए मैंने गोल्डन येलो कलर को यहाँ पर मिक्स किया है, जिससे थोड़ा सा ये जो हम देखते हैं ना कि पानी में मिट्टी होती है, इस तरीके का टेक्सचर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लोटस को फिल करने के लिए मैंने सिंपल येलो कलर से इसे सॉलिड फिल किया है। तो एक कोट हम सिंपल फिलिंग का देंगे, बाद में इसके बाद हम इन पर शेडिंग करेंगे। तो कृष्ण जी के हाथ के लिए मैंने यहाँ पर एक कोट लाइट ब्लू कलर से किया है। देन इनके हाथ की डेप्थ दिखाने के लिए हम उसी का डार्कर टोन लेंगे और इस तरीके से साइड बाई साइड इसमें फिलिंग करते जाएंगे। देन हम थोड़ी थोड़ी सी इसमें ब्लेंडिंग करेंगे। इनकी बांसुरी में कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे बंसियाना में थोड़ा सा येलो मिक्स करा है एंड इस तरीके से इसे पेंट कर दिया है। तो अब आती है ऊपर के लोटस की शेडिंग की बारी। तो शेडिंग के लिए मैंने उसी येलो का थोड़ा सा डार्कर टोन लिया है एंड उसमें हल्का सा ब्लैक मिक्स करके इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रोक्स की तरह से शेडिंग दिया है। मैंने यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग नहीं की है, सिर्फ स्ट्रोक्स से यहाँ पर शेडिंग दी है। तो यहाँ पे हम उनकी ज्वेलरी को अब हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे सेरेमिक कोन लिया है एंड इस तरीके से इनके ज्वेलरी वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा इम्बोज इफेक्ट दिखाने के लिए इसको इस तरीके से फिल कर दिया है। तो यहाँ पे जो इनकी रिंग्स हैं उनके भी सिर्फ सेंटर वाले पार्ट पे ही हम इसे एम्बोज करेंगे। तो अब करते हैं हम आउटलाइनिंग। तो आउटलाइनिंग करते समय मैंने ये सेरेमिक का काम किया था वो थोड़ा सा वेट था, लेकिन मैंने बचा बचा के काम कर लिया क्योंकि मुझे टाइम सेव करना था। तो अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप इसको पहले पूरा ड्राई करें अपने कॉर्न के वर्क को, उसके बाद ही आउटलाइन करें। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आपका हाथ लग जाएगा या ब्रश लग जाएगा तो आपका आर्ट वर्क ख़राब हो जाएगा। तो सारे सारे में कॉर्न का जो वर्क था हमारा, उसको मैंने अच्छे से एक दिन के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। तो जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हम इनमें पहले बेस कोट ब्लैक एक्रिलिक कलर से करेंगे। तो जब ब्लैक एक्रिलिक कलर हमारा पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हम उनके ऊपर एक गोल्ड मेटालिक कलर से यहाँ पर पेंट करेंगे।
एक कोट इसके दोबारा हम डार्कर टोन से करेंगे। तो अब हम इनकी ज्वेलरी को डिटेलिंग देंगे। तो डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर पहले अप्लाई करे। पहले मैंने वाइट भी किया, फिर मैंने गोल्डन किया, बट फाइनली जब मैंने ब्लैक किया तो उसका आउटपुट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इनमें थोड़ी सी इनकी ज्वेलरी की डिटेलिंग की है। अब ज्वेलरी को ज्वेलरी का जैसा बनाने के लिए इनके ऊपर हम कुछ कुंदन वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप चाहें तो यहाँ पे मिरर वर्क भी कर सकते हैं, मोती वर्क भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर के कुंदन ले रही हूँ एंड जहाँ जहाँ पे मुझे नीड लगी वहीं पे मैंने पेस्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर बांसुरी को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट मोती का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक लेयर और लगाई है। अगर आप इस तरीके से कंफर्ट नहीं हैं तो आप निडल में इस तरीके से माला की तरह इन्हें पिरोकर फिर पूरी माला को एक साथ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो अब बांसुरी की थोड़ी सी लटकन भी मैंने बना दी है इस तरीके के गोल्डन मोती से। तो इस तरीके से डेकोरेशन पार्ट आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं आपके क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा आर्टवर्क रेडी है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वाला वॉल आर्ट कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये आर्टवर्क थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो बनाते हैं नेक्स्ट DIY। तो नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। इनमें से दो थिक कार्डबोर्ड हैं एंड दो थिन कार्डबोर्ड हैं। तो इनका प्रॉपर साइज़ जो हमारी A4 शीट आती है वही साइज़ मैंने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये एक डोर शेप का टेम्पलेट निकाला है। देन मैं इसको अपने जो थिन वाले कार्डबोर्ड है उसके ऊपर इस तरीके से ट्रेस आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो आर्टवर्क एक जैसे बनाए हैं। तो दोनों आर्टवर्क के ऊपर हम इसी तरीके से अपना इस जो भी डिज़ाइन है इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। तो हमने जो अब ये डिज़ाइन बनाया है इसे हम कट करेंगे। इसके लिए आप इस टाइप के कोई भी कटर का यूज़ कर सकते हैं एंड जो अंदर वाला पार्ट है उसे ऊपर वाले पार्ट से हम कटर की हेल्प से अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमें अपने दोनों कार्डबोर्ड को इस शेप में कट कर लेना है। अब हम इनकी एजेस को फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल जो वाइट पेपर होता है वही यूज़ कर रही हूँ एंड इसे फेबिकॉल की हेल्प से इस तरीके से पेस्ट कर दे रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें दोनों कार्डबोर्ड की एजेस को पेपर की हेल्प से फिनिश कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा थिक वाला कार्डबोर्ड था उसके ऊपर हम इस कार्डबोर्ड को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। तो दोनों कार्डबोर्ड को एक दूसरे के साथ पेस्ट करने के बाद भी हम इनकी साइड की एजेस को दोबारा इसी तरीके से पेपर लगा के फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ टेक्सचर पेस्ट। इसके लिए मैंने जो POP पाउडर होता है उसमें पानी एंड थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करके इस तरीके का पेस्ट बनाया है। तो इस पेस्ट को हम हमारे पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से पैलेट नाइफ की हेल्प से, अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आप इस तरीके से मेरी तरह आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर सकते हैं एंड इसे पूरे तरीके से इवनली हमारे इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रॉपरली स्मूथ नहीं हुआ है तो आप फिंगर टिप और ब्रश की हेल्प से भी इसे प्रॉपरली स्मूथ कर सकते हैं।
तो इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद इस पर मैंने एक कोट वाइट एक्रेलिक कलर का भी कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक फड़ पेंटिंग का प्रिंट आउट निकाला है जिसमें आपको दो फिगर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों फिगरों को हमारे दोनों फ्रेम्स के ऊपर अलग अलग ट्रेस आउट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने दोनों फिगर को सीजर की हेल्प से कट कर लिया है। देन यहाँ पर मैंने कार्बन पेपर की हेल्प से इसे यहाँ पर ट्रेस कर दिया है। देन बॉर्डर भी बना लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करा है बेस कलर। तो बेस कलर के लिए मैंने यहाँ पे टर्कोइश में थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आराम आराम से धीरे धीरे हमें ब्रश की हेल्प से यहाँ पर बेस कलर को अप्लाई करना है। तो अगर ब्रश थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास लाइट एक्रेलिक कलर है तो आराम से अगर हम दूसरा कलर इस पर चढ़ाएंगे तो आराम से चढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इनके फिगर में भी कलरिंग फिल करेंगे। फर्ट पेंटिंग राजस्थान की फेमस पेंटिंग है। इसके जो भी चित्र होते हैं या फिर कहिए जो भी लेआउट होते हैं वे राजा महाराजा की, जो पुराने राजा महाराजा होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को शो करते हैं। तो इनके जो कलर होते हैं वो सारे प्योर कलर ही होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि सारे जो प्राइमरी रेड ब्लू येल्लो ग्रीन ब्राउन इनमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इनकी ज्वेलरीज होती है और जो कपड़े होते हैं उनकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इनसे ही ये पेंटिंग बहुत सुंदर बनती है। इसके जो आपको फिगर दिखेंगे या फिर इनका फेस दिखेंगे वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। बहुत फाइन फेस और फाइन उनके आइज़ या नोज़ नहीं होते हैं, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप कोई प्योर कलर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्ट बॉटल में से कलर लिया और उसको अप्लाई कर दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कलर मिक्सिंग से बना रहे, चाहे तो वाइट की कलर की मिक्सिंग से बनाएं या ब्लैक कलर की मिक्सिंग बनाएं या कोई दूसरा शेड बनाएं, तो हमेशा कलर थोड़ा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि हर पेंटिंग में हमें अपना फाइनल टच तो देना ही पड़ता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर आपके आर्टवर्क में कोई गड़बड़ी हो जाती है या फिर कभी कभी हमारा कलर छूट जाता है तो हमें बाद में हमारे कलर में वेरिएशन नहीं आता है। तो हमेशा कलर को ज़्यादा बना के रखिए। आपकी जो भी एक्रेलिक कलर की बॉटलें खाली होती हैं तो उनको आप रख लीजिए एंड उसमें आप इनको बॉटलों को क्लीन करके उनमें जो भी एक्स्ट्रा कलर बनता है आपका उसमें फिल करके रख लीजिए। अगर आपका वो कलर यूज़ नहीं भी होता है तो आप इस कलर को अपने कोई दूसरे आर्टवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो मेरा पूरा ब्लैक का ब्रश इस पेंटिंग के ऊपर गिर गया। तो शायद आपको कोई क्लिप मेरी वीडियो में दिख जाएगी जहाँ पर मेरा ब्रश गिरा हुआ है। तो मेरे पास था कलर तो मैंने इसको दोबारा रीपेंट कर लिया, नहीं तो अगर मैं उस कलर को दोबारा बनाती तो शायद थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। हम प्रॉपर वो कलर नहीं बना पाते हैं तो हमेशा कलर को एक्स्ट्रा बना के रखिए। तो यहाँ पर बेस कलर के डार्कर टोन से मैंने इसके जो फ्रेम के साइड वाला पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं बीच का बॉर्डर पार्ट है उस पर मैंने इस तरीके से इससे 3D इफेक्ट दिया है जिससे ये इससे थोड़ा सा अलग लगे। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है ब्लैक एक्रेलिक कलर जिससे मैं अपने इस आर्टवर्क में आउटलाइनिंग का काम शुरू करूँगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रश से कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं आउटलाइनिंग के लिए तो आप यहाँ पर ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसके लिए अपने आर्टवर्क को पूरी तरीके से ड्राई करना होगा, तभी आपका जो मार्कर होता है वो प्रॉपर तरीके से हमारे ये डिज़ाइनिंग के ऊपर चलता है, नहीं तो वह स्टक हो जाता है और प्रॉपर जो हमारी ब्लैक कलर की जो शाइनिंग होती है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर हम इनकी जो ज्वेलरी है या फिर आप जो कह सकते हैं जो क्लोथ्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3D फैब्रिकल का 3D आउटलाइनर लिया है
एंड इसे थोड़ा सा डॉट डॉट देते हुए इनकी ज्वेलरी को और इनके कपड़ों को हाईलाइट किया है। तो बस सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें अपने पूरे आर्टवर्क को कंप्लीट कर लेना है। और इसी तरीके से हमने अपने दूसरे फिगर को भी हमारे दूसरे फ्रेम पर बना लिया है एंड इसे मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से अपने वॉल पर स्टिक कर दिया है। तो अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने लिए यहाँ पर एक सीडी। तो यहाँ पर है ये बुकरम शीट जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन थी। इसमें दो वैरायटी की आपको मार्केट में मिलती है, तो ये थिन वाली थी। तो जब मैंने इसे अपनी सीडी पर रैप किया तो सीडी प्रॉपरली विजिबल हो रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो लेयर इसके बुकरम शीट की इसके ऊपर लगाई है और इस तरीके से इसको एक राउंड कैनवस की तरह बना दिया है। तो बुकरम शीट को रैप करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक वाइट एक्रेलिक कलर का कोट किया है। देन इसके ऊपर मैंने यहाँ पर हैंड से मधुबनी पेंट को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पर अंदर की साइड इसमें येलो कलर फिल किया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपने इस पूरी मधुबनी पेंटिंग को दो कलर से ही कंप्लीट करूँगी, जिसके लिए मैंने येलो एंड ब्लैक यूज़ किया है। तो आप अगर चाहें तो इसमें मल्टी कलर यूज़ करिए, आप इसे शेडिंग से निकालिए, आप इसे आउटलाइनिंग से निकालिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से सिंपल फ्लेम से मैंने येलो और ब्लैक कलर से इस पेंटिंग को पूरा किया है। इस तरीके से हमने अपने इस पूरे आर्टवर्क को रेडी कर लिया है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं।